नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया नमन, सी प्लान सर्विस की शुरुआत, तो वहीं राष्ट्रपति कोविंद और गृहमंत्री अमित शाह ने भी अर्पित की श्रद्धा सुमन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में भव्य परेड का आयोजन हुआ। इस अवसर पर फाइटर प्लेन जगुआर ने उड़ान भरी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के संसद में इमरान के मंत्री के कबूलनामे के बाद पीएम मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे, ऐसे लोगों को देश नहीं भूल सकता। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन सिविल सेवा प्रशिक्षुओं को पीएम मोदी ने संबोधन दिया। कहा केवड़िया पर्यटन स्थल के रूप में हो रहा है विकसित और केवड़िया में विकसित हो रहे पर्यटन का अनुभव करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुरुआत किया है और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया है। ये सेवा रोजाना पर्यटकों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। पूर्व पीएम आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, प्रियंका गांधी ने शक्ति स्थल जाकर श्रद्धांजलि दी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी नमन किया। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र, मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में रखे संशोधित विधेयक, तो सदन में हुए शोकाभ्यक्ति और सोमवार सुबह तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आरक्षण आंदोलन करने वालों के खिलाफ अब सख्ती से निपटेगी राज्य सरकार और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वालों पर लगेगा रासुका। भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और करौली के कलेक्टर्स को गृह विभाग ने आदेश दिए हैं। शहर की सरकार के लिए मतदान का कल दूसरा चरण, रविवार को 3 निगमों में होगा मतदान। आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा है कि पूरा देश जानता है कि वो अवसरवादी हैं। नीतीश कुमार थक गए हैं, ये मैं नहीं बिहार की जनता बोल रही है, वे इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, बिहार फिसड्डी राज्य बन गया है, वे कोई भी मुद्दा चुन ले हमें बहस करने के लिए। यूपी की योगी सरकार इस बार दीपावली पर भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाएगी। इस मौके पर जहां पूरी अयोध्या नगरी को लाखों दीपों से जगमगाया जाएगा, तो वहीं सीएम योगी के हाथों से भगवान राम से जुड़ी कई प्रतिमाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। योगी सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश ये जारी किए हैं कि जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपरिहित परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और अवकाश पर ना जाएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल का दिल्ली वालों को दिवाली गिफ्ट, सोमवार से सीधे खाते में आएगी इलेक्ट्रॉनिक वाहन की सब्सिडी, 7 अगस्त के बाद रजिस्टर्ड गाड़ियों पर मिलेगा सब्सिडी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। बिहार के चुनावी हलचल के बीच और पिता रामविलास पासवान को खोने के बाद आज चिराग पासवान ने पटना में पटन देवी के दर्शन किए। 1 नवंबर यानी कल से आपकी जिंदगी में कई बदलाव होने वाले हैं। गैस की डिलीवरी से पहले उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और उसी से सिलेंडर मिलेगा। वहीं इंडियन ग्राहकों के लिए गैस बुक करने का नंबर भी बदल जाएगा। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बहस शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दी है। देश में कोरोना के 48,268 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब कोरोना के कुल मामले 81,37,119 हो गए हैं और इसमें से 1,21,641 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 74,32,829 लोग ठीक हो चुके हैं।
दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना का डबल अटैक जारी है। लगातार तीसरे दिन भी 24 घंटे में 5000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, तो वहीं प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा हुआ है, जिससे दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। जॉनसन एंड जॉनसन जल्द युवाओं में कोविड 19 वैक्सीन की टेस्टिंग करेगा। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा है कि कंपनी जल्द ही 12 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं में अपनी प्रयोगात्मक वैक्सीन का प्रशिक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। तुर्की और यूनान के तट के बीच एजियन सागर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते 22 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इस्तांबुल स्थित इज्मिर जिले के सेफेरीसार में छोटी सुनामी भी आई। आईपीएल में लगातार दूसरा मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स अब भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम 5वें नंबर पर पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि उनकी टीम शायद सही समय पर अपना शीर्ष खेल दिखा रही है, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में टीम अगर कुछ और जीत दर्ज करती तो बेहतर होता। इस आईपीएल में 8 मैच जीतकर मुंबई इंडियंस शीर्ष पर है, तो दूसरे नंबर पर राजस्थान चैलेंजर्स बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम है और तीसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स। तो वहीं बैंगलोर और दिल्ली दोनों 7-7 मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर बैंगलोर दूसरे नंबर पर है। किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए और T20 करियर का 23वां शतक नहीं बना पाए। इस निराशा में उन्होंने अपना बल्ला दूर फेंक दिया, इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। आईपीएल ने उन पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया है। धोरों से दिया गया फिट इंडिया का संदेश। जैसलमेर में बीएसएफ आईटीबीपी की 200 किलोमीटर वॉकाथन हुई और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हरी झंडी दिखाई और अभिनेता विद्युत जामवाल भी इस वक्त मौजूद रहे। जयपुर के भट्टाबस्ती थाना इलाके में 3 मकानों में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा की ऑयल मिल में कपास के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद एक दर्जन दमकल की गाड़ियां और नगर निगम के करीब 30 फायर कर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। श्री गंगानगर के घरसाना के पास महिला मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 12 महिलाओं सहित 15 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मनोहर थाना के स्वर्णकार समाज ने मंदिर पर अजमेर महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर अजमेर महाराज की आरती हुई और खीर की प्रसाद का वितरण किया गया। भवानी मंडी में कृषि उपज मंडी के पानी के टैंक में मरा हुआ सांप निकलने के बाद पल्लेदारों ने हंगामा किया। गुस्साए पल्लेदारों ने कामकाज बंद कर मंडी का मुख्य गेट बंद कर दिया और तहसीलदार से समझाइश के बाद बात बनी। बांसवाड़ा में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। कई लोगों को मौके पर पाबंद भी किया तो कईयों के चालान भी काटे। झालावाड़ के अकलेरा में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष कैलाश मीणा ने कहा कि कार्यकर्ता आपसी सहमति से अच्छे उम्मीदवार लाए। जोधपुर के फलौदी में बालिका शिक्षा अभियान के तहत पर्पल फ्राइडे मनाया गया। हर कदम बेटी के संग, स्कूल नहीं छोड़ने देंगे हम का संकल्प लिया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में लैंप्स अध्यक्ष और व्यवस्थापक की कार्यशैली को लेकर संचालक मंडल ने सवाल खड़े किए। कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले में तत्काल एक्शन लेने का आग्रह किया और अनियमितताओं की जांच की मांग की। राजसमंद में नगर परिषद और जिला प्रशासन ने कांकरोली शहर की सब्जी मंडी में मास्क और कैप बांटे और लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। कलेक्टर पोसवाल ने बताया कि अब तक 65,000 से ज्यादा मास्क बांटे गए हैं। अकलेरा में नगर पालिका की ओर से नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। भीलवाड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, तो वहीं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भीलवाड़ा में कोरोना जागरूकता को लेकर स्काउट गाइड ने जागरूकता रैली निकाली। सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की अपील की गई। उदयपुर में कोरोना जन आंदोलन के तहत जिले भर में कई कार्यक्रम हुए।
चेतक सर्कल से बच्चों से स्केटिंग रैली निकाली गई और शहरवासियों को कोरोना को लेकर जागरूक किया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान में दुकानों के आगे किए गए अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया और इस दौरान कई व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया। नागौर के डीडवाना में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निःशुल्क मास्क भी यहाँ बांटे गए हैं। पाली के देसुरी में ऑपरेशन आवास के तहत पुलिस ने जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया। एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने रैली को हरी झंडी दिखाई। नागौर के मेड़ता में 9 साल की बालिका डिप्थीरिया की मरीज मिली। आपको बता दें कि डिप्थीरिया नाक और गले का एक गंभीर संक्रमण है जिसे टीका लगाकर आसानी से रोका जा सकता है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया और कचहरी रोड, माल गोदाम रोड और बजरिया में कार्रवाई की गई। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नमन किया। अजमेर में इंदिरा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। नागौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर भी कई कार्यक्रम हुए और राजनीतिक दलों ने उन्हें श्रद्धा से याद किया। पाली के देसुरी में पंचायत चुनाव को लेकर बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने बैठक ली। उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई और बीजेपी उम्मीदवारों के आवेदन यहां लिए गए। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने लूट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने लूट की वारदात में शामिल होने का कबूल लिया है तो वहीं पुलिस बाकी दो आरोपियों की तलाश कर रही है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। अजमेर में पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। अजमेर के किशनगढ़ में हमीर तालाब में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में एसडीएम के पास नाबालिग लड़की अपनी शादी रुकवाने पहुंची। नाबालिग की बड़ी बहन ने बताया कि मां और भाई पैसों के लालच में छोटी बहन की जबरन शादी करवा रहे हैं जबकि अभी वो पढ़ना चाहती है। नागौर के बेड़ता में दुनिया में सबसे तेजी से जंगल सफारी बनाई गई है। आईएफएस रामरतन नाला के नेतृत्व में इसे सिर्फ 6 महीने में बनाया गया है। इसमें दुनिया भर के 200 से ज्यादा जानवर हैं। झालावाड़ के मंडावर में नैना देवी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर खीर बनाई गई। साथ ही महाआरती का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सिरोही के जीरावल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन हुआ। संस्था प्रधान कमलकांत शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बांसुर की गांव खोहरी में जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। 35 साल से बंद रास्ते को प्रशासन ने चालू करवाया। छीपा बड़ोद पंचायत समिति परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्मिकों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर शपथ ली। रायपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई की। पुलिस ने एक कार को जब्त किया है जिसमें से 138 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। नागौर के लाडनों में पंचायती चुनाव को लेकर एसडीएम राम अवतार कुबावत ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में आचार संहिता की पालना करवाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। नागौर के लाडनों में पंचायती चुनाव को लेकर एसडीएम राम अवतार कुमावत ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में मीडिया प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री गंगानगर में शरद पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के श्री सत्यनारायण मंदिर में हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया और रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर का प्रसाद वितरित किया गया। नागौर के लाडनों में एसडीएम राम अवतार कुमावत ने निर्माणाधीन राजकीय विद्यालय का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में उपयोग ली जाने वाली सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई गई जिसे एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नागौर के लाडनों में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम ने क्षेत्र के
सभी ई मित्र कियोस्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई लापरवाही पाई गई और लापरवाही कियोस्क के खिलाफ कार्रवाई करने के यहां आदेश दिए गए। नागौर के लाडनो में राजकीय चिकित्सालय लेडी में भामाशाहों ने 1 लाख रुपए तक के सामान का सहयोग किया और कैलाश फाउंडेशन की ओर से एसी फ्रिज कार्यालय के लिए अलमारी देकर मदद की है। लाडनो शहर में एसडीएम के निर्देशानुसार कोरोना रोकथाम के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली स्टाफ भी शामिल हुए और लोगों को मास्क बांटकर कोरोना के लिए जागरूक किया गया। पाली के रामपुर में सर्व कौमी एकता के प्रतीक हजरत हुसैन पीर बाबा दरगाह का लोगों ने दर्शन किया। वहीं झुझार महाराज में मंदिर पर भी भक्तों का तांता लगा रहा। अलवर के किशनगढ़ बास में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जोरों पर है। गांव बेड़ा का बास में मावा बनाने वाले कारखाने को सील किया गया। दूध और मावे के सैंपल लेकर यहां जांच के लिए भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट आने तक कारखाना सील रहेगा। अलवर के खैरतल में वार्ड 21 जसोरिया कॉलोनी के लोगों ने मोबाइल टावर हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने सीएम को खत लेकर आवासीय कॉलोनी से टावर हटाने की मांग की है। अलवर के खैरतल नगर पालिका की ओर से जन चेतना रैली निकाली गई और कृषि उपज मंडी में मास्क वितरित किए गए। सोमासर बिजली सबस्टेशन अब श्रीगंगानगर का सबसे बड़ा सबस्टेशन बन गया है। आपको बता दें कि स्टेशन में 5 MVA यानी कि मेगावोल्ट अपीयर के पावर ट्रांसफार्मर यहां लगाए गए हैं और ग्रामीण इलाकों में बेहतर बिजली की सुविधा मिल सकेगी। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन ने बस सुविधा को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बस का रूट स्वीकृत होने के बाद भी सुविधा शुरू नहीं की गई है, जिसके चलते पर्यटकों को पार्क तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। श्री गंगानगर में कोरोना के 78 नए रोगी सामने आए हैं। श्री विजयनगर में कोरोना से 2 और लोगों की जान गई है, तो वहीं बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाड़मेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। कोतवाली थाने से 200 मीटर दूर स्थित शहर के मुख्य बाजार में चोरी हुई। दुकान के शटर तोड़कर 4 चोर नकदी समेत कई सामान लेकर फरार हो गए। रामदेवरा के छायन द्वितीय गांव में ANM आवास और उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हो चुका है। ANM किराए के मकान में रहने को मजबूर है और लंबे समय से दोनों भवनों में रखरखाव को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नागौर के डीडवाना में सीवरेज लाइन टूट गई। दूषित पानी जनकपुरी गांव के तालाब में जा रहा है और ग्रामीणों ने गंदे पानी को रोककर समुचित निकासी करवाने की मांग की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। कुशलगढ़ के नवागांव में ट्रैक्टर खाई में पलटने से ड्राइवर की दबने से मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरने से हुआ। बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाके में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद सभी को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। अलवर की अरावली बिहार थाना पुलिस ने फेसबुक आईडी हैक कर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रिश्तेदार बनकर लोगों से पैसे मांगता था और अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था। अलवर की एनीबी थाना क्षेत्र में 60 फीट रोड पर एक कबाड़ी के गोदाम में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की शिनाख्त रवीश कुमार बैरवा के रूप में हुई है, जो की मजदूरी करता था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा कर जाँच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अफीम तस्कर को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को 7 लाख रुपए की अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। सीकर के फतेहपुर कस्बे के बीहड़ में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। नागौर जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसके तहत डेगाना के कई प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए और खराब सामान को नष्ट किया गया। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना की रफ्तार काफी हद तक थम चुकी है। यहां केवल 1 ही कोरोना पॉजिटिव सामने आया है, तो वहीं अब जिले में केवल 59 एक्टिव केस बचे हैं।
सीसीआई द्वारा नरमी खरीद के चलते पिछले कई दिनों से तुलाई को लेकर आए दिन विवाद हो जाते हैं। एक बार फिर मजदूरों और एक व्यापारी में कहासुनी के चलते विवाद हो गया। व्यापारी ने मजदूर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मकराना के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में चार बड़ी चोरियों को अंजाम देने वाली मालपुरा की मोंगिया गैंग का एक चोर पुलिस के हाथे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को मकराना कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। बीकानेर जिले के जामसर थाना इलाके में खारा के पास भीषण हादसा हो गया। यहां दो ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिसके बाद भीषण आग लग गई और ट्रेलर चालक जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद से चालक का पता नहीं चल पाया है। बारा जिले में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत केलवाड़ा कस्बे में मिष्ठान भंडारों पर कार्रवाई की गई और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। सिरोही जिले में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसके तहत जिला कलेक्टर के निर्देश पर आबू रोड एसडीएम की अगुवाई में कार्रवाई की गई और मिठाई की दुकानों से सैंपल उठाए गए और खराब सामानों को नष्ट किया गया। सिरोही के स्वरूपगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फालना के पास बिरोलिया के बीच ट्रेन से कटने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त में जुट गई है। डूंगरपुर में जंगल की जमीन पर अवैध तौर पर बिजली के टावर लगाने का मामला सामने आया है। जंगल में घुसपैठ और बाउंड्री तोड़ने पर वन विभाग की टीम ने दो ट्रैक्टर और एक क्रेन को जब्त किया है और फिलहाल एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बौली में अवैध हथकर शराब के खिलाफ प्रशिक्षु आरपीएस इंदु लोधी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मित्रपुरा में 16 लीटर अवैध हथकर शराब जब्त किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बालोतरा के मंडली थाना इलाके में प्रेमी युगल ने टाके में कूद कर जान दे दी। घटना बागावास गांव की है और पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सपोर्ट कर दिया है। अमूमन अंतिम यात्रा का मार्ग सुगम होता है, लेकिन खताड़ ग्राम पंचायत ग्रामीणों को कंधे पर अपनों की अर्थी ले जाने के बीच बत्तीसा नाला नदी पार करके मोक्षधाम जाना पड़ रहा है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के बाराबरदा इलाके में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों से ग्रामीण परेशान हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पुलिस पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। छिपाबड़ोद के हरनावदा शाहजी में जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव के नेतृत्व में कोरोना को लेकर जागरूकता पद यात्रा निकाली गई। लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया गया। धरियावद में पंचायत राज चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस सचिव कुलदीप सिंह राजावत और विधायक रामलाल मीणा ने धरियावद पंचायत समिति क्षेत्र की 17 सीटों और जिला परिषद की 4 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के आवेदन लिए। खिरसर पंचायत समिति चुनाव 2020 को लेकर भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी लक्ष्मी नारायण मुंडेल ने कहा कि भाजपा के कर्मठ और जिताऊ कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिए जाएंगे। भादरा पुलिस थाने में नारी सशक्तिकरण के लिए आवाज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा रही। इस अवसर पर महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी गई। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने देह व्यापार और सट्टे के कारोबार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने विक्की नाम के युवक के साथ ही 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने फ्लैट से 3 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब, मोबाइल, टीवी और अन्य सामान जब्त किए हैं।